अब हम साग जो है वो रेडी करने वाले हैं। तो आपने वैसे तो डिफरेंट किस्म के साग खाए होंगे, मगर ये एक डिफरेंट किस्म का है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो नॉर्मल साग के अंदर लहसुन का तड़का ऐड होता है, तो हम इसके अंदर टमाटर का होता है, लेकिन जिंजर से कद्दूकस 1 टीस्पून भर के हम थोड़ा बना रहे हैं, तो इसलिए वन टीस्पून भर के कद्दूकस किया हुआ जिंजर हम इसको गोल्डन करेंगे हल्का सा। आप ये तरीका बिल्कुल टेस्ट करके थोड़ा सा पहले आप बनाएं तो आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आएगा कि कैसे बनता है। बहुत टेस्टी होता है मकई की रोटी के साथ, बेसन की रोटी के साथ, पराठे के साथ। सुबह मॉर्निंग में आप नाश्ते के लिए इसे पराठे के साथ खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारा अदरक जो है वो लाइट गोल्डन हो गया, तो साग जो है हल्का फ्लेक्स था और जो हमने पीस कर लिया था वो ऐड कर लिया, और बेसन हम इसमें नहीं, बेसन नहीं है, मकई का आटा है। मकई का आटा आपके पास अगर मकई का आटा नहीं है 2 टेबल स्पून तो आप डाल सकते हैं गंदम का आटा, और इस टाइम आप इसको ऐसे मिक्स करेंगे कि गुठली न बने और ये खुद ही हल होते जाएंगे। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, जैसे बिल्कुल क्रीम की तरह हो। ये ऐसे करते जाए खुद ही मिक्स होता जाएगा। अब इस स्टेज पे हम नमक भी डाल देंगे। हमने 1.5 टीस्पून डाला है, उसके बाद हम चेक करेंगे जब सही बुनाई हो जाए। तो ये देखिए मिक्स हो गया बिल्कुल, वो आटा आपको नज़र नहीं आ रहा अब, और इससे कितना क्रीमी लुक आ रही है देखिए। तो अब हम इसको इतना भूनने के कि इसके कॉर्नर्स पे जो है ऑयल जो आ जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा कि अच्छी तरह हमारा साग जो है वो भून चुके हैं। और बहुत टेस्टी है, आपने ज़रूर एक दफ़ा इस सीज़न में ये ट्राई करना है, फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसे बना। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑयल जो है खुद ही ऊपर आ गया साग में से, और इससे हमें पता चल जाएगा कि साग जो है वो अच्छी तरह भून चुके हैं। तो ज़रूर ये आप ट्राई करें इस सीज़न में, फिर हमें और बहुत ही इजी सी झटपट सी, बस आपने सारी चीज़ों के साथ बॉईल कर लिया और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर और नमक डाल के और अदरक के साथ आपने इसको पका लेना है, और बहुत ही झटपट सी बनने वाली है। सब्ज़ मिर्चें और कुटी लाल मिर्चें डलती है, बाकी कुछ भी नहीं, कोई मसाले नहीं, और इतना आला टेस्ट है, एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई करें हमारी ये रेसिपी, और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहा करें।